नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आप लोगों का टेक्स का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे ओप्पो F1S, वीवो V5 और जियोनी S6S की स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ और तीनों को कंपेयर करने वाला हूँ कि इन तीनों स्मार्टफोन में से आप लोगों के लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन सा रहेगा। हालांकि तीनों स्मार्टफोन सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, अगर आप एक सेल्फी स्मार्टफोन चाहते हैं तो इन तीनों को मैं आप कंपेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। हालांकि इन तीनों फोन में बात करूं तो कुछ ऐसी खास बात है ही नहीं कि मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों से शेयर करूं। बस तीनों में एक सेल्फी तीनों की बहुत अच्छी है और इन तीनों में से भी अगर आपको एक बेस्ट सेल्फी स्मार्टफोन चाहिए तो तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो वीवो V5 में आपको सामने की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश। ओप्पो F1S में आपको सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और जियोनी में आपको सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इन तीनों सेल्फी कैमरा में से सबसे अच्छा कौन सा है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे आता है वो है हमारा वीवो का V5, जिसकी कैमरे की क्वालिटी आज सामने की तरफ काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर आप अंधेरे में भी फोटो लेते हैं तो फ्लैश के साथ अच्छी फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा शेकी नजर आता है, थोड़ा सा ब्लर इमेजेस ले लेता है, लेकिन हालांकि इतना बुरा नहीं है अगर कंपेयर करूं ओप्पो F1S और जियोनी के साथ में। और दूसरे नंबर पे जो मिलता है, दूसरे नंबर पे आता है जियोनी। हालांकि आप सोच रहे होंगे 20 मेगापिक्सल उसके बाद में 8, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, 8 मेगापिक्सल ओप्पो F1S के 16 मेगापिक्सल से अच्छा नजर आता है। तो जियोनी का भी कैमरा आज सामने का 8 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा है, सेकेंड प्लेस पे वो मिलता है। उसमें एक अच्छी बात यह है कि हमें नेचुरल कलर देखने को मिलते हैं जो ओप्पो F1S में देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहले नंबर पे वीवो V5, दूसरे नंबर पे जियोनी S6S और तीसरे नंबर पे ओप्पो F1S। तो सेल्फी के लिए जो सबसे बेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दोनों यानी कि वीवो V5 और ओप्पो F1S दोनों में सेम प्रोसेसर दिया गया है, तो लगभग इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो जियोनी है वो परफॉर्मेंस के मामले में नंबर वन पे आता है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस के मामले में नंबर वन पे जियोनी, दूसरे नंबर पे ओप्पो F1S और तीसरे नंबर पे ये वीवो V5, तीनों सेम ही है। हालांकि तीनों परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रोसेसर को कंपेयर करूं तो जियोनी थोड़ा सा अच्छा निकल के इसमें आता है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की, तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी तीनों की लगभग लगभग सेम है। मेटल की डिज़ाइन दी गई है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है तीनों की, तो तीनों ही लगभग लगभग इक्वली पॉइंट कमाते हैं बिल्ड और डिज़ाइन क्वालिटी, बिल्ड और डिज़ाइन में। तीसरी बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी जियोनी की सबसे अच्छी है। जियोनी नंबर वन पर जाता है, दूसरे नंबर पे ओप्पो आता है और तीसरे नंबर पे हमारा वीवो आता है। तो हालांकि इन तीनों फ़ोन में इतनी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी आपको, फिर भी अगर इन तीनों को कंपेयर करो तो जियोनी थोड़ा सा आगे निकल के आता है। तो बात करें डिस्प्ले की, तो वीवो V5 में और ओप्पो F1S में आपको 720p की डिस्प्ले मिलती, यानी HD डिस्प्ले मिलती, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। और जियोनी में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में जियोनी नंबर वन पे आता है, बाकी दोनों उससे पीछे रहते हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता है, कंपनी 18 से 20 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करती है और एक HD डिस्प्ले भी आपको आज के टाइम में दे रही है, मतलब आपसे बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल कर रही है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा इस फ़ोन में लग रहा है। तो डेफिनेटली आप इन तीनों फ़ोन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बताया पहले कि आपको अगर सेल्फी स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप तीनों में से एक पिक कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हो गई बैटरी के बारे में बात, हो गई स्क्रीन के बारे में बात, बिल्ड क्वालिटी की बात हो गई और सब कैमरे की बात हो गई। अब रियर कैमरे पे जाते हैं, तो रियर कैमरा तीनों का 13 मेगापिक्सल का दिया गया है और तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छे खासे इमेजेस रियर कैमरा से आते हैं, लेकिन जो नंबर वन पे आता है वो है हमारा जियोनी का। तो जियोनी जो है डे लाइट में और लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है कैमरे के मामले में। उसके बाद आता है हमारा वीवो का V5, तीसरे नंबर पे आता है ओप्पो F1S। तो ओप्पो जो F1S का कैमरा है वो अच्छा है, लेकिन नेचुरल फोटोज हमें नहीं देता है। तो बात करें अगर नेचुरल फोटोज आपको चाहिए तो जियोनी और वीवो दोनों काफ़ी अच्छे फोटोज ले लेते हैं। तो दोस्तों ओप्पो F1S तो कंपटीशन से बाहर ही हो जाता है, कंपटीशन वीवो में और जियोनी में। ओप्पो F1S का ना कैमरा अच्छा है, ना स्क्रीन अच्छी है, ना बैटरी अच्छी है, ना प्रोसेसर अच्छा है। तो पता नहीं 18 हज़ार रुपये क्या सोच के इसकी प्राइसिंग रखी गई है। तो जाने देते हैं वीवो और जियोनी, अगर इस दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो नंबर वन पे सेल्फी के लिए वीवो और बाकी सारे फीचर्स के लिए जियोनी। तो डेफिनेटली आप अपना चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें मेरे ओपिनियन की, तो नंबर वन जो पोजीशन जाती है वो जियोनी को जाती है। अगर सेल्फी कैमरा थोड़ा सा वीक है वीवो V5 के मुकाबले, लेकिन जियोनी नंबर वन पोजीशन पे जाता है, उसके बाद में जाता है हमारा वीवो V5 और थर्ड प्लेस में जो आता है वो है ओप्पो F1S।
डेफिनेटली आप वीवो वी फाइव और जियो S6 में ऐसे कोई भी एक स्मार्टफोन ले सकते हैं अगर एक सर्फेस स्मार्टफोन चाहते हैं तो। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वीवो, ओप्पो और जियो, ये तीनों कंपनी कुछ ऐसी हैं जो ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करके रखी है। एडवर्टीजमेंट बेस्ड कंपनी है, एडवर्टीजमेंट करती है और अपने मोबाइल फोन को मार्केट में बेचती है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। बहुत सोच रहा हूँ मैं कि ये तीनों कंपनी पे एक वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ कि किस तरीके से ये आम जनता को इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं देती और प्राइसिंग इतनी ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर से बनाने वाला हूँ इन तीनों कंपनियों के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर आप इस तीनों मोबाइल फोन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे अपना सवाल रख सकते हैं, मैं जरूर से उसका जवाब दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।